ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि नफरत पैदा की जाती है, और नफरत पैदा करने के लिए कुछ इतिहास की चीज़ों का सहारा लिया जाता है, कुछ आज की चीज़ों का सहारा लिया जाता है। अभी मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, अभी मैं ज़्यादा जो कहूँगा वो कहूँगा इंडिया के बारे में, भारत के बारे में। और इसमें आपको, अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे रोक दीजिएगा, ज़्यादातर मुसलमानों को खराब कहा जाता है, और उसके लिए कई तो भी इतिहास के पुरावे, इतिहास के सबूत, इतिहास की बातों को लाया जाता है। जैसे आपको पता होगा, अभी अभी वो औरंगजेब रोड दिल्ली, उसका नाम बदला। क्यों बदला? बोले औरंगजेब बड़ा ख़राब था। अब औरंगजेब बड़ा ख़राब था, ऐसा उन्होंने कहा, औरंगजेब ने हमारे मंदिर तोड़े। अब ये बात आपको बता दूं, ये बात सही है, ये बात सही है कि औरंगजेब ने हमारे हमारे यानी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, दो चार उसके उदाहरण हैं। पर ये बात भी सही है कि इसी औरंगजेब ने कई मंदिरों को दान दिया, ये बात भी सही है कि औरंगजेब ने कुछ मस्जिदों को दान दिया, ये बात भी सही है उसने एक मस्जिद को भी तोड़ा। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप अपना निष्कर्ष निकालना। अगर पूरा कैनवास है, पूरा चित्र मैं देखूंगा तो मैं उसका निष्कर्ष निकाल सकूंगा। अगर मैं चित्र में से केवल एक बात लूंगा तो मेरा निष्कर्ष सही होगा क्या? नहीं होगा। अगर मैं केवल देखूं, हाँ ये बात सही है कि औरंगजेब ने काशी में विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, बराबर है, गलत, खराब वगैरह वगैरह, क्यों तोड़ा उसको हम अभी नहीं जाएंगे। इसी औरंगजेब ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल के मंदिर को दान दिया। इसी औरंगजेब ने आसाम में कामाख्या देवी के मंदिर को दान दिया। इसी औरंगजेब ने उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को दान दिया। तो अब आप किस बात को पकड़ेंगे, मंदिर तोड़ने की बात को कि मंदिर को दान देने की बात को? दोनों बातें हैं, अगर हम दोनों बातें देखेंगे तो बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ एक तीसरी बात देखिए, एक बार औरंगजेब ने एक मस्जिद को भी तोड़ा, तो इससे मैं कहूँ क्या कि औरंगजेब मुसलमानों का विरोधी था? ये अगर मैं कहूँ तो मेरी गलती होगी, क्योंकि मेरे को पहले समझना पड़ेगा औरंगजेब ने मस्जिद को क्यों तोड़ा। आई होप आई एम क्लियर। औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़ा। अब ये बताता हूँ आपको, एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने 3 साल तक, और गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने 3 साल तक औरंगजेब को लगान नहीं दिया। अब ये बताइए लगाने ने क्या कर, ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म देखने के बाद पता चली? पहले से पता चली, नहीं ठीक है, मुझे बाद में पता चली इसलिए बता रहा हूँ अब। ठीक, तो खैर औरंगजेब को 3 साल तक तानाशाह ने लगान नहीं दिया। तो तानाशाह ने जब लगान नहीं दिया तो औरंगजेब ने उसको पूछा, अरे आपने मुझे लगान नहीं दिया, क्या बात है? फिर से तानाशाह ने बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे राज्य में दुष्काल है, आजकल है ना अकाल दुष्काल आजकल जैसा चल रहा है, बोले मेरे राज्य में दुष्काल है, लोग मुझे लगान नहीं दे रहे तो मैं आपको कहाँ से दूंगा। अब औरंगजेब बड़ा चालाक, उसने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? समझ राइट, क्या कर किया होगा उसने, किया होगा, ठीक है। अब ये औरंगजेब हो गया, एक जगह मस्जिद को तोड़ रहा है, एक जगह मंदिर को तोड़ रहा है, तो अब इसमें से कौन सी बात को लेना चाहिए ये फैसला मैं आपको तोड़ दूँ बता दो। पर आपको बताना चाहूँगा, इतिहास में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन तीनों प्रकार के राजाओं ने धर्म स्थलों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्चों को तोड़ा भी सही, बनाया भी सही। तोड़ने के पीछे दो कारण, तोड़ने के पीछे दो कारण। पहला कारण तो बड़ा मज़ेदार कारण है, और पहला कारण ये है कि जिसके कारण महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, लोग बड़ा गुस्सा होते, अरे हमारे मंदिर को इसने महमूद गजनवी ने तोड़ दिया, हमारे धर्म का अपमान हो गया। अगर आप डिटेल में जाके देखोगे तो महमूद गजनवी गजना से आया, लंबा रास्ता चल के आया, अगर उसको मंदिर तोड़ना था तो रास्ते में और मंदिर नहीं थे क्या? अफगानिस्तान से आ रहा है, सोमनाथ को आ रहा है,
अगर उसको मंदिर ही तोड़ना था तो रास्ते में हजारों मंदिर थे, उसने नहीं तोड़े। सोमनाथ का मंदिर उसने इसलिए तोड़ा, सोमनाथ के मंदिर में उस समय 51 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी। 51 करोड़, 51 करोड़ वो था 20 उस जमाने की, 20,000 सोने के क्वाइन वहाँ थे, उसके बराबर का थे। अब ये बात आपको सच लगती है क्या कि मंदिरों में धर्मस्थलों में संपत्ति के भंडार होते थे? विश्वास हो सकता है? थे कि है? अरे मेरा मूड बड़ा खराब था, आपने अच्छा कर दिया, कहीं तो संपत्ति है। चलिए एक आपको मंदिर की बात बताता हूँ। एक मंदिर है केरल में, भगवान पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, वहाँ जो संपत्ति है वह है 1,00,000 करोड़ के बराबर, 1,00,000 करोड़ के बराबर। कई बार टेंशन आता है, वह क्या चल रहा है समाज में, तो एक आइडिया आती है, आइडिया को टेस्ट करके देखना। अगर हम अपने देश के 100 धनी मंदिरों की संपत्ति को जमा करें और ईमानदारी से सब में बराबर बराबर बांट लें तो अपने कुछ दिन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो धर्मस्थलों में संपत्ति के भंडार थे, राजाओं ने उसको तोड़ा और हम आज उसको धर्म के आधार पे देख रहे हैं। मेरी वो जो छोटी सी किताब है उसमें देखिएगा, एक हिंदू राजा, 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक हिंदू राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, ओहदा ओहदा मतलब पद, डेसिग्नेशन का निर्माण किया। उस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। ख्याल कीजिएगा, 3 शब्द है इसमें, देव भगवान, उत्पतन उखाड़ना, नायक अधिकारी, यानी वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ता है। अब इसका उल्लेख मिल रहा है एक किताब में जिसका नाम है राज तरंगिणी, कवि कल्लण के द्वारा लिखी हुई। ठीक है, अब आगे ये तो बोलता है कि ये अधिकारी जो है ये देवताओं की मूर्तियां उखाड़ेगा, पर आगे थोड़े देर बाद जाके ब्रैकेट में लिखता है ये वही मूर्तियां उखाड़ेगा जो सोने चांदी की बनी है, ये वही मूर्तियां उखाड़ेगा जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। तो पत्थर की मूर्तियां अपन लोगों के लिए, सोना चांदी हीरा राजा के लिए। ये एक प्रकार की चीज़ थी जिसको बहुत कन्फ्यूज़ करके हमारे सामने रख दिया। अब हमारे सामने जो एक और बात आती है, कई बार आपको पता होगा कि जैसे मैं मंदिरों की बात कर रहा था तो इतिहास में हिंदू राजा, मुसलमान राजा, मंदिर मस्जिद तोड़े उन्होंने। अब ये बात हमारे ऊपर गलत तरीके से कैसे आ गई कि वो मुसलमान राजा ने तोड़ा? यहाँ यही बात आती है, पाकिस्तान में यही बात आती होगी कि हिंदू राजाओं ने मस्जिदों को तोड़ा, इस प्रकार से चीज़ आती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको, हम चलते हैं इस प्रकार की समझ जहाँ इतिहास को राजा के धर्म के चश्मे से देखा गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इतिहास को कैसा देखा जाता है? राजा का धर्म, हिंदू राजा, मुसलमान राजा। पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, इतिहास में उत्पादन कौन करता था? उत्पादन किसान करता था। महिला उत्पादन करती थी कि नहीं? करती थी। घर का काम कौन करता था? महिलाएं करती थी। आदिवासी काम करते थे कि नहीं? करते थे। तो इतिहास का निर्माण वास्तव में श्रमजीवी लोगों ने किया है, जो लोग मेहनत करते हैं घर के अंदर, घर के बाहर, और राजा तो उस पर एक शोषण करता था। पर आज ये इतिहास को राजा के धर्म से क्यों जोड़ा गया वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, यहाँ धर्म के नाम की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? किसके आने के बाद से? अंग्रेजों के आने के बाद से, अंग्रेज। ठीक है, तो ये क्यों हुआ उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ। और यहाँ कारण देखते समय हम चलेंगे वो 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति। बताइए 1857 की क्रांति की चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति की चिंगारी मंगल पांडे। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व, लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथ ही कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब झांसी की। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, हिल गई। तो अंग्रेजों ने क्या फैसला किया होगा? अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो, और धर्म से अच्छा फूट डालने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए राजा, राजा का धर्म और ये सब चीज़ों को जोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो इतिहास में हिंदू मुसलमान राजा हमेशा लड़ते नहीं रहे। अब देखिएगा, एक राजा था, लड़ते भी थे,
राजा लोग दोस्ती भी करते थे, और ऐसा नहीं था कि कोई मुसलमान राजा है तो उसके दरबार में सिर्फ मुसलमान ऑफिसर, ऐसा नहीं था। हिंदू राजा है तो केवल हिंदू ऑफिसर, ऐसा भी नहीं था। दो उदाहरण अपन देख लेते हैं, और इसी के सहारे आपको मैं थोड़े से एक लोकप्रिय सीरियल है ना, वो फालतू फालतू रहते पर फिर भी अपन देखते हैं ना, वो एक सीरियल बना है ना अकबर के जीवन पे, कौन सा है वो, जोधा अकबर, जोधा अकबर। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, अभी अपन मंदिर तोड़ने की बात कर रहे थे, बताइए अकबर के महल के अंदर एक मंदिर है, एक भगवान का मंदिर है, यस नो? कौन से भगवान का है? कृष्ण भगवान का। और जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं अकबर उसमें हिस्सा लेते कि उसको बायकॉट करते? हिस्सा लेते, एक बात। और वो आपको पता होगा, दूसरा एक सीरियल आजकल चल रहा है, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। अच्छा चलिए, वीर पुत्र महाराणा प्रताप। भारत का वीर पुत्र कैसे हो गया भैया? भारत पहले था क्या? महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। मेवाड़ के, उनको पता था क्या कन्याकुमारी भी अपना है, आसाम में भी अपने को जाना है, श्रीनगर में भी जाना है, ये आइडिया उनको, मैप उनके सामने रहता था क्या? नहीं रहता था। अच्छा एनीवे, अब ये ऐसा बताने की कोशिश करते जैसे महाराणा प्रताप ने हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए मुसलमानों से लड़ाई की, अकबर से लड़ाई की। अकबर से जो लड़ाई हुई उसका मैंने थोड़ा अध्ययन किया। अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई ये हुई हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज, एक तरफ राणा प्रताप की फौज। अब बात ऐसी हुई कि अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं आए, अकबर खुद नहीं आए, अकबर के बदले जो आए वो उनके थे प्रधान सेनापति, उनका नाम था राजा मान सिंह, करेक्ट? और राजा मान सिंह के जो असिस्टेंट सहायक, उनका नाम था शहजादा सलीम। शहजादा सलीम पे आपने कोई पिक्चर देखी है क्या? नहीं, अनारकली, मुगले आजम, वेरी वेरी। अच्छा ठीक है, चलिए तो इधर कौन हो गया, राजा मान सिंह और शहजादा सलीम। और राणा प्रताप का जो साथ दे रहे थे उनका नाम था हकीम खान सूर। स्टॉप, दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान, तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई। ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। हमारे दिमाग में हो गया राणा प्रताप हिंदू, हिंदू धर्म, अकबर विदेशी, मुस्लिम मुसलमान धर्म, ये सब चीजें एक गलत प्रकार से हमारे दिमाग में डाली गई। अब शिवाजी महाराज तो मैं उनको एक एक्सेप्शनल राजा मानता हूँ। शिवाजी महाराज को ऐसा बताया जाता है कि वो गो गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे। इनका काम क्या था? गाय की पूजा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ऐसा एक चित्र दिया जाता है। दूसरा चित्र दिया जाता है कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन थे। दोनों बातें गलत हैं। पहले आपको बता दूं, शिवाजी महाराज का आम जनता के प्रति बहुत प्यार था, इसलिए वो उनके ऊपर टैक्स लगान बढ़ने नहीं देते थे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अपने कॉमरेड गोविंद पानसरे का शिवाजी महाराज पे 1.5 घंटे का लेक्चर है, यूट्यूब पे भी है और उसकी सीडी भी मिलती है, उसको जरूर देखिएगा। खैर उसी में से मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। शिवाजी महाराज एक बार, वो ऐसा बोलते शिवाजी महाराज, एक बार एक घटना को मैं थोड़ा कहानी के रूप में बता रहा हूँ। एक बार शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठ के जा रहे थे और उनकी कमर में तलवार नहीं थी। जनरली राजा लोग जाते हैं तो क्या रहता कमर में? तलवार रहती। तलवार नहीं थी, तलवार नहीं थी तो उनके जासूस ने देखा, जासूस को दिखा तो जासूस बड़ा परेशान हो गया। जासूस ने जैसे शिवाजी महाराज को देखा कि वो बिना तलवार के जा रहे, वो महाराज के पास आया, बोले महाराज आप कहाँ जा रहे? तो शिवाजी ने कहा होगा मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। तो जासूस और चिंतित हो गया, परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बोले महाराज जरा नीचे उतरो, खाली उतरो। अब जा अपना बॉडीगार्ड है, जासूस है तो बात तो मानना पड़ेगा। शिवाजी महाराज उतरे नीचे, तो वो जासूस शिवाजी महाराज को पूछता है महाराज आपकी हाइट ऊंचाई क्या है? ये कहानी के रूप में बता रहा हूँ। तो शिवाजी महाराज ने बोला होगा मेरी हाइट होगी 5 फुट 6 इंच। तो जासूस बोलता है अच्छा आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, 6 इंच है ना, बताओ अफजल खान की हाइट क्या है? अरे बोले अफजल खान तो 6 फुट से भी लंबा होगा। फिर बोले महाराज आपका बॉडी साइज क्या है?
बॉडी साइज, यानी जैसे अपना आजकल तो वो शर्ट की साइज से बॉडी साइज गिनते ना, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो शिवाजी महाराज ने बोला होगा भाई मेरी साइज मीडियम मीडियम। बोले अफजल खान की साइज क्या है, साइज क्या है? बोले अरे अफजल खान तो एक्स्ट्रा 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 लार्ज है। बोले महाराज आप उसको मिलने गए बिना तलवार के बिना हथियार के जो आप बोल रहे हो, उसने आपको अगर पकड़ा और आपका गला दबाया तो आपका मर्डर कर सकता है कि नहीं? बोले बात तो बराबर है, कुछ गड़बड़ हो गई तो साइज में बहुत हेफ्टी है, मैं उसके सामने कहाँ टिकूंगा। तो जासूस बोलता महाराज आप भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेके जाओ। ये गुप्त हथियार है ना, वाघ नखा बघ नख, बघ नख हिंदी में बोलते, वाघ नख मराठी में बोलते। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, अब ये जासूस का नाम क्या था? जासूस का नाम था रुस्तमे जमाल, हिंदू के मुसलमान मुसलमान। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड थे, उनमें 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का जो तोपखाना विभाग उसका इंचार्ज मुसलमान, शिवाजी महाराज की जो नौसेना उसका इंचार्ज मुसलमान। इतना ही नहीं, टोटल आप देखोगे तो शिवाजी महाराज के प्रशासन में 35% 35% अधिकारी और सैनिक ये मुसलमान थे। अब ये बात देखना पड़ेगा। और दो नाम मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बता दूं, एक उनका अभी एक था मौलाना हैदर अली जो उनका गोपनीय सचिव था, दूसरा एक था दौलत खान, मिस्री खान, इब्राहिम गार्दी वगैरह, ये उनके सेनापति थे। तो एक बात ये हो गई, ठीक है। अब शिवाजी महाराज उन्होंने वाघनख को लिया, अपनी अंगूठी के नीचे अंगूठियों के नीचे छुपा लिया, गए अफजल खान के तंबू की तरफ। अफजल खान ने दूर से ही देखा उनको, तंबू से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया शिवा शिवा, जाके शिवाजी महाराज का गला पकड़ लिया। जैसे उसने गला पकड़ा, शिवाजी महाराज ने वाघ नख निकाला उसके पेट में डाल दिया, अफजल खान नीचे गिर गया। और जब अफजल खान नीचे गिर गया तो अफजल खान की तरफ से उनके सचिव कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी पर तलवार चलाने की कोशिश की। अब हमारे यहाँ बहुत वायलेंस करवाते हैं, अरे हमारे ग्रेट शिवाजी महाराज हिंदू, अफजल खान मुसलमान। मुझे हैरानी ये हुई कि शिवाजी के बारे में इतना ये खराब, एक्चुअली खराब बोलना ही है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि शिवाजी जैसे मुसलमानों के दुश्मन हो। शिवाजी महाराज तो पूरी मानवता के साथ चलते थे, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और इसीलिए मैं दो तीन घटनाएं आप सबको पता होगा, सिर्फ दोहरा देता हूँ। एक बार मैं गया शिवाजी महाराज के किले रायगढ़ पे, फैमिली के साथ हम लोग पिकनिक के लिए गए थे, घूमने गए थे। तो रायगढ़ गए तो रायगढ़ की एंट्री पे वहाँ एक मंदिर है, उसका नाम है जगदीश्वर भगवान का मंदिर। जगदीश्वर भगवान के मंदिर में हम लोग गए, प्रसाद लिया, पुजारी जी से बात कर रहे थे तो पुजारी ने जी ने कहा ये मंदिर शिवाजी महाराज ने बनवाया था। बोले ये मंदिर ही नहीं, वो जो मस्जिद दिख रही 40 मीटर दूर, ये मस्जिद भी शिवाजी महाराज ने बनाई। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा आज तो शिवाजी महाराज के नाम पे लोग मस्जिदें तोड़ने को तैयार खड़े हैं, और एक वो शिवाजी महाराज थे जिन्होंने खुद मस्जिद बनवाई। तो पुजारी जी ने बताया शिवाजी महाराज ने मस्जिद इसलिए बनवाई थी कि उनको लगता था मेरी प्रजा, प्रजा में हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, मुसलमान लोग अगर मुझे मिलने आएंगे उस समय उनकी इबादत का वक्त होगा तो वो कहाँ जाएंगे, है तो मेरी प्रजा, उसका ख्याल किसको रखना चाहिए, मैंने रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। खैर एक और घटना बता दूं कि वो घटना है जुड़ी हुई, एक बार शिवाजी महाराज की फौज सूरत जा रही थी, सूरत जा रही थी और सूरत जा रही थी लूटपाट करने। मैंने अपने एक पहले ऑडियो कैसेट निकाला था, उसमें मैंने यही बात कही कि शिवाजी महाराज की फौज एक बार सूरत पे लूटमार करने गई, एक बार बंगाल में लूटमार करने गई। तो मेरे एक दोस्त बोले अरे यार तुम तो बोलते हो शिवाजी महाराज अच्छे राजा थे और फिर बोल रहे हो उनकी फौज लूटमार करने गई, ये दोनों बातें कैसी हैं? मैंने बोला भैया ऐसी बात है कि सभी राजा लूटमार करते थे, राज्य के अंदर क्या वसूल करते थे कर, और राज्य के बाहर लूटमार। उस समय कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन था क्या कि भाई शिवाजी की बाउंड्री इतनी है, औरंगजेब की बाउंड्री इतनी है? बाउंड्री राजा की कैसे बनती थी? जितना दूर तक गए तलवार चलाते हुए वो आपकी बाउंड्री। तो इसलिए शिवाजी महाराज अंदर लगान वसूल करते थे।
बाहर जाके उनकी फौज लूट मार भी करती थी। तो दो घटनाएं याद रखेंगे हम, एक तो घटना है शिवाजी महाराज की फौज एक बार सूरत पे लूट मार करने गई। अब लूट मार करने तो जा रही थी, पर जब लूट मार करने शिवाजी महाराज की फौज जा रही थी तो फौज को निरोप देते समय, विदाई देते समय शिवाजी महाराज ने उनको दो महत्वपूर्ण संदेश दिए। पहला संदेश उन्होंने ये देगा कि देखो भाई, आप सूरत लूट मार करने जा रहे हो, पर याद रखो इसी सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का आश्रम है। कौन से धर्म के हो गए? वो क्रिश्चियन धर्म। फादर एम्ब्रोस पिंटो का आश्रम है, उस आश्रम को कोई तकलीफ नहीं देना, नंबर वन। नंबर दो, लूट मार करते समय अगर आपके आपके हाथ में किसी दूसरे के धर्म के मानने वाले की, किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक, कुछ पवित्र पुस्तकों के नाम लो, कुरान, बाइबल, अगर आपके हाथ में आ गई तो उसका अपमान मत कर, पूरे आदर के साथ वो धर्म के मानने वाले को आप दे दो। अब खैर ये एक बात हो गई। अब एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसी लूट मार को अपने प्रधानमंत्री जी जानते होंगे आप, कैसे बताते? अब बम्बई में वो चुनाव के पहले वोट मांगने आए, तो बम्बई में वोट मांगने के लिए तो शिवाजी महाराज सबसे अच्छा है ना, तो हमको क्या बोला उन्होंने, अरे बोले अपने शिवाजी महाराज इतने महान थे कि औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए उन्होंने सूरत पे लूटपाट की। मैं बड़ा हैरान, औरंगजेब का खजाना सूरत में था कि दिल्ली में था? अब उनको कौन बताएगा कि जिनको नफरत फैलाना है किसी न किसी के बाहर पे, उसमें इस बात को कह दिया। और दो और घटनाएं देखिए, एक बार शिवाजी महाराज की फौज बम्बई के पास के कल्याण पे लूट मार करने आई। यहाँ महिलाएं कम हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, जब तक महिलाएं बराबरी का दर्जा समाज में प्राप्त नहीं कर सकती हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता। और ये जो इतिहास में बताया जाता है मुसलमान राजा वेरी बैड, हमारी स्त्रियों का उन्होंने बलात्कार किया, अपमान किया, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी फौज, दुनिया की कोई भी फौज स्त्रियों को आदर के साथ रखती है कि उनका उनके साथ बदसलूकी करती है? बदसलूकी करती है। कोई एक फौज की बात कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, ये जेंडर का सवाल है, क्योंकि ये बार बार बोलते अरे वो पद्मिनी ने वो अलाउद्दीन खिलजी के कारण उसको जौहर करना पड़ा। ज़्यादातर औरतें जो थी, औरतों को इस प्रकार का सामना करना पड़ता था और आज भी करना पड़ता है। हेलो, करना पड़ता था नहीं, आज भी करना पड़ता है। शिवाजी महाराज की फौज कल्याण गई लूटमार करने, कल्याण में लूटमार की, उसी लूटमार के साथ उन्होंने कल्याण के मुसलमान सूबेदार, कल्याण के मुसलमान सूबेदार की पुत्रवधु सूनबाई, उसको उठा के ले आए। शिवाजी महाराज को उन्होंने संपत्ति भेंट की, उसी के साथ ये स्त्री भी उन्होंने भेंट की, बोले महाराज हम आपके लिए सुंदर भेंट लाए हैं। तो शिवाजी महाराज खुश हो गए। शिवाजी महाराज बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा, ये शिवाजी महाराज दूसरे राजाओं से अलग कैसे थे मैं ये बताना चाहता हूँ। उस समय लूटमार का मतलब था संपत्ति और स्त्रियां। शिवाजी महाराज ने उस पैटर्न के विरोध में जाके कहा कि आप जो ये दूसरे की पत्नी को, किसी की बहू को उठा के लाए हो, ये बहुत ख़राब बात है, आप इस महिला को पूरे आदर के साथ उसके घर में पहुंचा कर आओ। तो यहाँ भी कई लोग शिवाजी महाराज की आलोचना करते, अरे बोले एक मुसलमान स्त्री तुम्हारे हाथ में आई, तुमने उसको जाने दिया। ये एक जो सवाल है कि भाई बदला अदला बदली करो, और कि भाई मुसलमान राजाओं ने हिंदू स्त्रियों पे बड़ा अत्याचार किया, ये एक पैटर्न था जहाँ धर्म की कोई सीमा नहीं होती। आपको बताऊँ, जेंडर के अत्याचार में कोई धर्म नहीं देखता, दलितों पे अत्याचार के समय भी कोई इस बात को नहीं देखता कि स्त्री कौन सी जात की है, ये एक कॉमन पैटर्न है। खैर ये शिवाजी के साथ साथ मैं इसी बात को यहाँ कहूँगा कि ये जो राजाओं का पैटर्न था, मैंने बताया शिवाजी के दरबार में हिंदू राजा मुसलमान अधिकारी दोनों थे। ऐसे ही आप और देखिए कि हम अकबर की बात कर रहे थे, बताइए अकबर के दरबार में नवरत्न थे, यस नो? उनमें कुछ नवरत्न हिंदू थे, उनके नाम बताइए। बीरबल, बीरबल, एक बीरबल और दूसरा जो लोग भूल जाते हैं जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट नवरत्न था, तानसेन के साथ एक और था, उसका नाम था राजा टोडरमल,
राजा तोरणमल बोलते उसको अपन मराठी तोरणमल। में, क्यों मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों था आपको मालूम है? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में क्या काम करते थे? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में अरुण जेटली करते हैं। क्या करते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। यस ठीक है। अब ये कोई इसका धर्म के आधार पे सीमा नहीं थी। और आपको पता होगा अपने शिवाजी महाराज से बातचीत करने, उनसे लड़ाई वड़ाई की बातचीत करने, औरंगजेब की तरफ से एक प्रतिनिधि आता था और उस प्रतिनिधि का नाम था राजा जयसिंह। राजा जयसिंह किसके साथ? औरंगजेब के साथ और शिवाजी के साथ, मुसलमान भी हिंदू भी। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला बिल्कुल नहीं था, ये राजा का मामला था, सत्ता का मामला था, वफादारी का मामला था। और राजा लोग भी अपने जो इनको रखते थे, अधिकारियों को रखते थे, वो वफादारी लॉयल्टी के अधिकार पे रखते थे, धर्म के आधार पे बहुत कम होता था। खैर अब इसको हम मध्ययुगीन इतिहास को यहाँ छोड़ने के पहले एक और बात बताऊँ कि एक और भी बात बोली जाती, इस्लाम बहुत क्रूर वॉयलेंट रिलीजन है। और एक और बात बोलते हैं कि देखो भाई इस्लाम भारत में कैसे फैला, ऐसा कई बार लोग सवाल पूछते और जवाब देते कि भाई देखो मुसलमान राजा आए घोड़े पे बैठ के, मुसलमान राजा आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था। उन्होंने लोगों को डराया कि तुम कुरान को स्वीकार करो नहीं तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। अब आपने तो ये बात सुन लिया, पर कई बार मेरे को इसका बड़ा बड़ा टेंशन आता जब मैं बोलता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में मैं बोल रहा था कि लोग बोलते मुसलमान राजा घोड़े पे आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। तो कई बार स्टूडेंट खड़े हो जाते, बोले सर अगर एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़ा कौन चलाएगा? मेरे पास जवाब ही नहीं रहता, क्योंकि जो भी इस्लाम है, इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैला। उसके पहले एक और बात बता दूं, धर्म को राजाओं द्वारा नहीं फैलाया गया, रादर दुनिया के किसी भी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया, एक अपवाद को छोड़कर। देर वॉज वन एक्सेप्शन, उसके अलावा राजाओं ने अपना धर्म नहीं फैलाया। और ये अपवाद आपको पहचानना है, क्योंकि अपवाद अपने भारत का है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक दुनिया का एकमात्र राजा है जिसने बुद्ध धर्म का प्रसार किया। उसने तलवार की नोक पे किया या प्यार के आधार पे किया? प्यार के आधार पे किया। तो ये जो सम्राट अशोक का ये मामला है, तो भारत में इस्लाम कैसे आया, इसके पहले हम ये देख लें, भारत की सबसे पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उसके पहले एक और पूछ लूँ, ये बहुत सरल सवाल है, मुसलमान राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। दिल्ली ठीक है। और भारत की पहली मस्जिद कौन से राज्य में बनी? मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसमें से एक सही ऑप्शन चुनिए। चार ऑप्शन हैं, एक तो अपना क्या महाराष्ट्र, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश आगरा, चौथा केरल। कहाँ बनी है? केरल। वेरी गुड, आपका तो कॉमन से यानी इंटेलिजेंस बहुत है। केरल में, केरल में कभी किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था और मस्जिद वहीं बन रही है। कैसे बन रही भाई मस्जिद? क्योंकि मस्जिद उस समय ऐसा हुआ, केरल में मलाबार के तट पर अरब व्यापारी आते थे, अपने साथ वहाँ के चीज़ें ले आते थे, खजूर वगैरह। और भारत की जो अच्छी चीज़ें हैं, आम केले मसाले, यहाँ से लेके जाते थे। राजा को टैक्स मिलता था, राजा भी खुश, लोग भी खुश, व्यापारी भी खुश। अब ये व्यापारी आते रहें, इसके लिए वहाँ के हिंदू राजा ने मस्जिद बनवाई। अभी तो मस्जिद तोड़ने का ज़माना है, लोग मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं। तो भारत में इस्लाम कैसे फैला, इसका मुख्य कारण हमको जो बताते हैं व्यक्ति, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330 में स्वामी जी कहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया, ये स्वामी जी कह रहे हैं। इसको हम थोड़ा कॉमन सेंसिकली देखें। अच्छा देखिए, हर एक धर्म में लोग कहीं पूजा पाठ के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा हिंदू धर्म में कहाँ जाते हैं लोग? मंदिर में जाते हैं। शूद्रों को क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था, हिंदू माना जाता था।
क्या उनको मंदिर जाने की अनुमति थी? नहीं। आज है 50-50, कोई है हाँ बोल रहे कोई ना बोल रहे, तो मैं आपकी बात मिला के बोल रहा हूँ 50-50, पहले जीरो आज 50-50। अब उनको मंदिर जाने का चांस नहीं मिल रहा, कहीं तो जाना है, तो वो जाते थे सूफी संत की दरगाह पे। सूफी संत की दरगाह पे जाने की किसी को मनाही थी क्या? कोई मनाही थी, तो वो जाते थे और इसी सूफी संतों के प्रभाव में आके भारत का इस्लाम फैला। तो एक बार मौका ऐसा मिला, एक बाई चांस क्या हुआ, एक बार मेरी मुलाकात इनके बड़े भाई चारुल जी से हुई। तो चारुल जी ऐसे ही थे, हम बैठे थे कहीं तो भी चाय वाय पी रहे थे, तो मेरा परिचय उनसे हुआ। उन्होंने बताया मैं तो कमल का बड़ा भाई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर जरा आप ऑटोग्राफ दीजिए, आप विजिटिंग कार्ड दो, जैसे अपने जैसे लोग करते, जब बड़े लोग से पहचान हुई तो अपन करते वैसा। मैंने उनका विजिटिंग कार्ड लिया, तो विजिटिंग कार्ड में मैंने पढ़ा उनका नाम लिखा था चारुल हासन। मैं फिर कन्फ्यूजन में आ गया, मैंने कहा सर आप हिंदू हैं कि मुसलमान? अरे बोले चारुल, मैं मेरा नाम चारुल है, हम तो हिंदू हैं, मेरे भाई का नाम कमल है। मैंने कहा फिर यार ये बात तो ठीक है, पर ये बीच में फिर हासन क्या आ गया? बोले हासन हमारे परिवार के पीर का नाम है, पीर, और उस पीर से हमने अपना नाम लिया, इसलिए मैं चारुल हासन, मेरा भाई कमल हासन, मेरी भतीजी श्रुति हासन, वो भी फिल्मों में बहुत बहुत अच्छा ये करती है। ठीक है, अब ये एक मेल जोल की बात, और ये जो मेल जोल की परंपरा का उच्चतम बिंदु एक बता के इस टॉपिक को मैं यहाँ बंद करूँगा। मैं अभी ट्रैवल करता रहता हूँ जैसे ताई ने बताया, तो ट्रैवल करते करते मैं 2 महीने पहले कोचीन गया था। तो कोचीन में जो स्थानीय दोस्त थे बोले आप कोचीन आए हो, हम आपको कोचीन की कुछ दिखा देते, तो मुझे वो ले गए। और पहले जो ले गए वो सबसे रास्ते में एक पड़ी, वो था सेंट सेबास्टियन का चर्च। सेंट सेबास्टियन का चर्च हम गए वहाँ, तो मैंने कहा बताइए इसकी खासियत क्या है? बोले इसकी खासियत ये है कि यहाँ जो शबरीमाला यहाँ जो हिंदू लोग यात्रा पे जाते हैं, वो यात्रा शुरू करते हैं जब पहले सबसे पहले सेंट सेबास्टियन के चर्च में जाते हैं, पादरी जी से आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद लेने के बाद आगे क्या करते? आगे वो जाते हैं थोड़ी दूर पे एक मस्जिद है, मस्जिद, वो मस्जिद है वावर की, उस मस्जिद में जाते हैं। वहाँ जो मौलवी साहब होते हैं मस्जिद में, वो आते हैं और उनके माथे पे भभूत, भभूत यानी वो क्या मिलता है अपन मराठी, भस्म, भस्म लगाता, भस्म लगाते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं सबरीमाला के मंदिर पे। भेदभाव का सवाल नहीं है, जहाँ से अच्छी मिली उसको पकड़ लो, अच्छा है तो रखो नहीं तो छोड़ दो। ये मेल जोल की परंपरा हमारे भारत में रही। तो मेरे ख्याल से ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं वो पृष्ठभूमि बता रहा हूँ जिस पृष्ठभूमि में अंग्रेज यहाँ आए। राजाओं की बात ठीक है, मुझे राजाओं से कोई लगाव नहीं है, और अंग्रेज यहाँ आए और अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने, मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति, विद्रोह, बगावत, उसके बाद उन्होंने एक प्रकार का इतिहास लिखवाया, और वो इतिहास के कारण जो बात हुई उसको मेरे, आपके सवाल हैं तो मैं, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत, धर्म के नाम की राजनीति की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद शुरू होती है। ठीक है, और ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सरल है। उभरते लोगों में से कुछ संगठन बने, ऑर्गेनाइजेशंस, डूबते लोगों में से कुछ संगठन बने, और उभरते लोगों में से जो संगठन बने उन संगठनों के नाम से आपको उनका पैटर्न समझ जाएगा। ये जो संगठन बने उसके हम एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे। उभरते वर्गों के 3 प्रकार के संगठन बने, और उनमें मैं क्या करूंगा, उन संगठनों के जो लीडर थे आप जानते हैं उनको, उन लीडर्स के मैं नाम लूंगा, आप मुझे संगठनों का नाम बताइए। पहले व्यक्ति हैं जिनका फोटो यहां लगा हुआ है, सरदार भगत सिंह, उनके संगठन का नाम क्या था? नौजवान भारत सभा, याद रहेगा नौजवान भारत सभा। दूसरा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, वहां मेरे सामने खड़े हैं, क्या नाम था उनकी पार्टी का, नाम क्या था? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा जिसने देश के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, वो संगठन के 4 लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। 4 नाम हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी।
इनके संगठन का नाम करने के पहले बताइए, मैंने चार नाम लिए, इनमें आपको क्या खासियत दिए दिख रही है? ये एक ही धर्म के हैं कि सभी धर्म के हैं? सभी धर्म के। नंबर वन क्या मतलब है? आज़ादी के आंदोलन एक ही धर्म के लोगों ने लड़ा कि सभी धर्म के लोगों ने मिलकर लड़ा? सभी धर्म के लोगों ने। मिल आजकल के वो ठप्पा लगा के घूम रहे ना, ये तो ये राष्ट्र है, ये तो दूसरे धर्म का है, ये तो विदेशी है, ये तो एंटी नेशनल है, आज लगा रहे। पर देश की आज़ादी का आंदोलन सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ा। और उस संगठन का नाम क्या है? गांधी के संगठन का नाम क्या था? पार्टी, कांग्रेस। पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अरे डरते क्यों हैं? मैं सोनिया गांधी की तरफ से थोड़ी आया हूँ। अपने को तो समझना है, अपने को तो सिर्फ समझना है ये बात क्या हो रही है। ओके, ये अब इधर देख लेते, मैं एक बार दोहरा देता हूँ, एक बार दोहरा लेता हूँ। भगत सिंह नौजवान भारत सभा, अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम का पैटर्न समझ लीजिए, प्लीज रिमेंबर द टाइप ऑफ द नेम। अब मैं येल यूनिवर्सिटी की स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ। येल यूनिवर्सिटी की स्टडी हमको बताती है कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, वहाँ धर्म के नाम वाली पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। आपको पता होगा राम मंदिर का मुद्दा आया, राम मंदिर के मुद्दे के पहले भाजपा की कितनी सीट आई थी? 1984 में 2 सीट आई, फिर हो गई 80 सीट, दंगे बढ़ते गए, सीट्स बढ़ती गई। अभी यूपी में मैंने देखा दोस्तों, यूपी के बाई इलेक्शन में मुजफ्फरनगर में पहले भाजपा को सीट नहीं मिलती थी, अभी मुजफ्फरनगर में बराबर भाजपा को सीट मिल गई। बहुत दुख की बात है दोस्तों कि अगर चुनाव जीतना है तो दंगे करवाओ, चुनाव जीतो। दिस वेरी डेंजरस फॉर्मूला फॉर अवर सोसाइटी। खैर, तो ये इसके बाद मैं अभी सीधा समाज में उन्माद पैदा करना हो, उन्माद तो धर्म के माध्यम से आसानी से हो सकता है। अरे उसने हमारे मंदिर के अंदर गाय का मांस डाला, हो गया, मुसीबत हो गई। आपको यहाँ छोटा सा आ गए आरएसएस पे आने के पहले आपको एक और मैं सीरियल का उदाहरण देता हूँ। एक बहुत प्यारा सीरियल बना था, बहुत सेंसिटिव था, उसका नाम था तमस। तमस जो सीरियल था भीष्म साहनी के क्लासिक नॉवेल पे बना है, उसका एक सीन मेरे को याद है। सीन ऐसा था कि ओमपुरी जो है वो एक दलित की भूमिका करता है और एक मुस्लिम पॉलिटिशियन वो टोपी जैकेट वगैरह लगा के आता है। ओमपुरी को बोलता है, ये देख ये सुअर है ना, सुअर तू सुअर को मार के मस्जिद के अंदर डाल दे, मैं तेरे को पैसा दूंगा। ओमपुरी बोलता है, साहब मैं तो कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो पैसे की जरूरत है, मैं कर दूंगा, पर आपको इससे क्या मिलेगा? अरे बोले बुद्धू, तू मस्जिद को मस्जिद में सुअर को डालेगा तो मैं अफवाह उड़ाऊंगा कि हिंदुओं ने मस्जिद को अपवित्र कर दिया, दंगे होंगे और मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। हैदराबाद में बजरंग दल के लोगों ने मंदिर में गाय का मांस डाला, मैंगलोर में तिरंगा झंडा फहराया, और शायद अभी जो दिल्ली में हो रहा है, मेरे ख्याल से वो जो मीटिंग चल रही थी हमारे कॉमरेड कन्हैया कुमार के जो है वो डॉक्टर्ड वीडियो करके कुछ लोग अंदर घुस गए, उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने जो बोला उसको साइड ट्रैक करके एक पूरा मुद्दा बना दिया समाज के ध्रुवीकरण को करने का। खैर ये मैं आज की बात को थोड़ा बाद में लूँगा। अब यहाँ तक का क्लियर हो गया, एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, हमारे पास अभी कितना टाइम है?